कौन गिरी मीनारों से, कौन कूद गई कुएं में, कौन गिरी मीनारों से, उनकी संख्या कौन गिनेगा रोज रंगे अखबारों में। परम सम्मानीय मुख्य अतिथि महोदय, अन्य अध्यापक वर्ग और अध्यापिका वर्ग तथा बाहर से आए हुए अतिथिगण और मेरे छोटे बड़े भाई और बहनों, आज मैं आपके सामने दहेज प्रथा के बारे में कुछ शब्द कहना चाहती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। भारतीय समाज में फैली हुई नई कुरीतियाँ इस गौरवशाली समाज के माथे पर कलंक है। जाति पाति छुआछूत और दहेज जैसी प्रथाओं के कारण ही विश्व के उन्नत समाज में हमारा सर लज्जा से झुक जाता है। दहेज का अर्थ है विवाह के समय दी जाने वाली वस्तुएं। हमारे समाज में विवाह के साथ लड़की को माँ बाप का घर छोड़कर पति के घर जाना होता है। इस अवसर पर अपना स्नेह प्रदर्शित करने के लिए कन्या पक्ष के लोग लड़की लड़के तथा लड़के के संबंधियों को यथाशक्ति भेंट दिया करते हैं। यह प्रथा कब शुरू हुई कहा नहीं जा सकता। दहेज एक सात्विक प्रथा थी। कन्या अपने घर में समृद्धि की सूचक बने उसका खाली हाथ पतिगृह में प्रवेश अपशगुन माना जाता था। अतः वह अपने साथ वस्त्राभूषण, वस्त्र, बर्तन इत्यादि अन्य वस्तुएं साथ ले जाती थी। कन्या की श्रेष्ठता शील सौंदर्य से नहीं बल्कि दहेज से आंकी जाने लगी। दहेज में प्रायः राशि से परिवारों का मूल्यांकन होने लगा तथा धीरे धीरे दहेज सामाजिक विशेषता बन गई। पूर्व पक्ष के लोग विवाह से पहले ही दहेज में ली जाने वाली धनराशि का निश्चय करने लगे हैं। दहेज कुप्रथा का एक मुख्य कारण है यह है कि आज तक हम नारी को नर के बराबर नहीं समझते। लड़के वाले समझते हैं कि वे लड़की वालों पर बड़ा एहसान कर रहे हैं। मनचाहा दहेज न मिलने पर भोली भाली कन्याओं को कठोर यातनाएं दी जाती हैं, बारात वापिस लौटा ली जाती हैं, यहाँ तक कि लड़कियों को जिंदा जलाकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए कोई भी कानून कारीगर सिद्ध नहीं हो सका है। इसे समाप्त करने के लिए युवाओं को आगे आना होगा। दहेज प्रथा की बुराई को कम करने के लिए नारी का आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र होना काफी हद तक सहायक होता है। अपने पांव पर खड़ी युवती को कोई अनाप शनाप नहीं कह सकता। अगर दहेज प्रथा जैसी बुराई को जड़ से मिटाना है तो नारी शिक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा। अंत में मैं पूनम ठाकुर आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि क्यों पैदा करते हो इस मरे हुए चंगेज को, क्यों पैदा करते हो इस मरे हुए चंगेज को। सोने की हथकड़ी डालो, सोने की हथकड़ी डालो, मारो दुष्ट दहेज को। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।